पहले जो इंस्टॉलमेंट आया था वो सारे इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल है, यानी कि दो तीन इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है। जो इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल हुआ वो इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा कि नहीं, और जिन किसान का किसान सम्मान निधि योजना का तरफ आपसे पैसा नहीं आ रहा है, एफटीओ भी यस कर चुका है लेकिन पैसा ट्रांजेक्शन इंस्टॉलमेंट की जगह फेल लिखा रहे, उन सारे लाभार्थी को क्या करना होगा अपना पैसा पाने के लिए, इसके बारे में हम इसी वीडियो में आप सभी को जानकारी देंगे। सबसे पहले तो सभी लाभार्थी को किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस को ओपन करना होगा। जैसे कि देखिए ये जो लाभार्थी है, ये लाभार्थी का किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन किया हुआ डेट बता रहे हैं। देखिए इसमें 11/2 यानी कि 2/11/2021, उसके बाद देखिएगा इसमें मोबाइल नंबर भी शो कर रहे हैं, मतलब ये जो लाभार्थी है लाभार्थी का सब कुछ सही है। तो दोस्तों ये जो किसान है, यह किसान ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उनका जो टॉपिक है उस टॉपिक का ऊपर वीडियो बना दिया जाए। ये किसान का नाम शायद कुमार करके कुछ है, तो दोस्तों मैंने नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा नहीं सकता, यह प्राइवेसी का खिलाफ है। लेकिन जिन लाभार्थी का किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से पैसा नहीं मिल रहा है, ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है, उन सारे लाभार्थी को 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में आप सभी को कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अभी देखिए एलिजिबिलिटी स्टेटस की बात करें तो लैंड सेटिंग भी यस है, EKYC भी यस है, आधार बैंक सेटिंग स्टेटस भी यस हो चुका है। अभी हम देखेंगे 9 नंबर का जो इंस्टॉलमेंट है, देखिए 9 नंबर का इंस्टॉलमेंट ये लाभार्थी का एफटीओ यस है और इंस्टॉलमेंट डन है, और 9 नंबर का इंस्टॉलमेंट 16 नवंबर 2023 में मिल चुका है, मतलब ये लाभार्थी का 9 नंबर का इंस्टॉलमेंट रिसीव हो चुका है। और पहली जो इंस्टॉलमेंट था यानी कि 1 से लेकर 8 नंबर का इंस्टॉलमेंट यह हम देखेंगे, लेकिन 11 नंबर का इंस्टॉलमेंट की जगह एफटीओ अब तक कोई भी काम नहीं कर रहे, इस तरह पर कंप्लीटली ब्लैंक है। अभी देखिए ये जो लाभार्थी है 8 नंबर का इंस्टॉलमेंट की जगह ट्रांजेक्शन फेल है, मतलब एफटीओ भी यस हो चुका है, लेकिन ये जो इंस्टॉलमेंट है अब तक बैंक अकाउंट पर नहीं मिला। जब भी ये लाभार्थी ने बैंक में जाके ये बताते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन फेल है पैसा नहीं मिला, तब बैंक के तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। ये कहा जाता है कि ये डायरेक्ट पेमेंट है, ये डायरेक्ट आता है, हमारे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। ये भी सही है कि बैंक की तरफ से कोई भी अथॉरिटी नहीं होता है कि ये जो किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है ये डायरेक्ट आता है और डायरेक्टली पेमेंट मोड आधार बेस्ड आ जाता है। अभी हम देखेंगे तो 6 नंबर का इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन भी फेल हो चुका है। अभी देखिए इसमें 4 नंबर का इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन भी फेल हो चुका है, मतलब ये लाभार्थी का कंप्लीटली इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल है, लेकिन ये लाभार्थी का पहली जो इंस्टॉलमेंट है पहली इंस्टॉलमेंट रिसीव्ट हो चुका है। अभी देखिएगा इसमें 2 नंबर का इंस्टॉलमेंट की जगह ट्रांजेक्शन फेल है, उसके बाद देखिए इसमें 1 नंबर का इंस्टॉलमेंट की जगह भी ट्रांजेक्शन फेल है, और सभी जो इंस्टॉलमेंट है नीचे आपको लिखा रहा है, देखिए 21 से 2023, मतलब जून यानी कि जुलाई महीना में जब किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से पैसा जारी किया था तभी ये लाभार्थी को 1 से लेकर 8 नंबर का इंस्टॉलमेंट मिला था, लेकिन सभी इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है। अभी हम ये लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर से हम PFMS जो ऑफिशियल पोर्टल पर जाके चेक करेंगे ये लाभार्थी को कितनी इंस्टॉलमेंट मिला है। आपको यह नहीं है कि किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से 4-5 इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपका सारे इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल है। जैसे कि देखिए ये जो लाभार्थी का देखिए 1 नंबर का ट्रांजेक्शन फेल आ रहा है, लेकिन हम PFMS ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखेंगे कितने नंबर का इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल हुआ है। PFMS में अपने पैसा चेक करने के लिए सभी लाभार्थी को डायरेक्ट पेज पर आना होगा, इसी पर आने के बाद इसमें PM किसान सेलेक्ट करना होगा। ये जो डायरेक्ट पेज का लिंक है यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, यानी कि ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसी पर क्लिक करके सभी लाभार्थी ये डायरेक्ट पेज पर आ सकते हैं। इसी पर आने के बाद आपको इसमें क्या करना होगा, कैटेगरी PM किसान सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद इसमें आपको पेमेंट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद इसमें आपको एंटर एप्लीकेशन ID की जगह आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करने के बाद इसमें जो भी कैप्सा है सेम कैप्सा वर्ड वेरिफिकेशन की जगह डालना होगा, डालने के बाद नीचे जो चार्ज वाली ऑप्शन है इसी पर क्लिक करना होगा, उसी पर क्लिक करने के बाद नीचे आपकी पेमेंट डिटेल्स ओपन हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये जो लाभार्थी है, ये लाभार्थी का देखिए 9 नंबर का इंस्टॉलमेंट कब रिसीव हुआ है, 10 नवंबर 2023, और ये किसान का जो 9 नंबर का इंस्टॉलमेंट रिसीव हुआ था जो किसान सम्मान निधि योजना का गाइडलाइंस के हिसाब से 16 नवंबर 2023, लेकिन ये किसान का 1 नंबर का इनकी पहली इंस्टॉलमेंट रिजेक्ट था। अभी देखिए ये जो लाभार्थी है 9 नंबर का इंस्टॉलमेंट भी मिला है और इसमें इंस्टॉलमेंट की जगह पहली इंस्टॉलमेंट भी मिल चुका है, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल आ रहा है, लेकिन PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहली इंस्टॉलमेंट रिसीव हो चुका है, और रिसीव भी कौन सी बैंक अकाउंट पर हुआ है, कितने अमाउंट हुआ है और रिसीव कब हुआ है, देखिए इसमें 23 नवंबर 2023 पर हुआ है, और यह किसान का कंप्लीटली स्टेटस इस पर बता रहे, लेकिन किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर स्टेटस पर ट्रांजेक्शन फेल बता रहे, और जिन किसान का किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस पर ट्रांजेक्शन फेल आ रहा है और PFMS ऑफिशियल वेबसाइट पर पैसा रिसीव हो चुका है, उन सारे लाभार्थी को कोई भी टेंशन नहीं होगा। अभी आपका मन में यह सवाल आ रहा होगा, मेरा तो ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है लेकिन जो अभी इंस्टॉलमेंट आने वाला है ये इंस्टॉलमेंट मुझे मिलेगा या ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा,
इसके लिए सभी लाभार्थी को फिर से ये वाली पेज पर आके अभी आपको पेमेंट की जगह ये जो बेनिफिशियरी अपडेशन है या वैलिडेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सेम टू सेम कैप्चा डाल के चार्ज पर क्लिक करना होगा। चार्ज पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स ओपन हो जाएगा। पहली बात करें तो ये लाभार्थी का बेनिफिशियरी डिटेल्स देखिए इसमें रिजेक्ट बता रहे, जिन लाभार्थी का रिजेक्ट आ रहा है क्रिएटेड आ रहा है उन सारे लाभार्थी का ट्रांजेक्शन फेल होने का चांसेस है, और जिन लाभार्थी का इसमें अपडेटेड आ रहा है किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से अपडेट हो चुका है उन सारे लाभार्थी को अभी किसान सम्मान निधि योजना का जो भी पैसा जारी होगा ये इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल नहीं होगा, पैसा डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट पर आ जाएगा। जो भी बैंक अकाउंट अपने आधार कार्ड से एनपीसीआई डीबीटी लिंक ओके होगा वो भी वो उसी बैंक अकाउंट पर अपने पैसा आपका अपना आप आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जिन लाभार्थी का इंडिया पोस्टल पर खाता नहीं है उन सारे लाभार्थी बार बार ऑनलाइन के मदद से अपने एनपीसीआई डीबीटी लिंक को चेक कीजिएगा। दोस्तों कभी कभी बार ऐसे भी होता है कि एनपीसीआई डीबीटी लिंक होने के बाद भी बैंक अकाउंट की तरफ से डीसेलेक्ट कर दिया है जिसकी वजह से आपका ट्रांजेक्शन दोबारा फेल हो जाएगा। इसके लिए आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने बैंक अकाउंट इंडिया पोस्टल पर रखने के लिए, और जिन लाभार्थी का इंडिया पोस्टल पर खाता है उन सारे लाभार्थी को ट्रांजेक्शन फेल नहीं होगा, डायरेक्टली आपका पैसा आपका अकाउंट पर आ जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो इतना तक है, जय हिंद जय भारत।